अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, अगर आप क्विक लैब RDP का मंथली सब्सक्रिप्शन ख़त्म करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को देखें। आपने अगर मंथली ट्रायल लिया हुआ है तो ज़ाहरी बात है, अगर मंथली ट्रायल के ख़त्म होने से पहले पहले अगर आप अपनी क्रेडिट कार्ड की हिस्ट्रीज वगैरह वहाँ से रिमूव नहीं करते तो आपका जो पैकेज है वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा, ठीक है। यानी एक मंथ के लिए तो आपको फ्री ट्रायल दिया जाता है और एक मंथ के बाद आपके चार्जेस कटना शुरू हो जाते हैं $29 की सूरत में। तो अगर आप ये मंथली सब्सक्रिप्शन को अगर आप ख़त्म नहीं करते, उसको वहाँ से आपकी क्रेडिट कार्ड की हिस्ट्री डिलीट नहीं करते, तो आपका वो ऑटोमेटिकली वो पैकेज अपडेट हो जाएगा। तो किस तरह इसको ख़त्म किया जाता है मंथली सब्सक्रिप्शन को, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपने हमने क्विक लैब RDP को जो है ना वो ज्वाइन कर लेना, जिस हम आम तौर पे करते हैं। मेरी वो वीडियोस मौजूद हैं चैनल के ऊपर, वहाँ से आप देख सकते हैं कैसा किया जाता है। इस आइकन के ऊपर क्लिक कर लेना और यहाँ से सेटिंग्स के ऊपर क्लिक कर लेना, ठीक है। सेटिंग के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको साइड पर सेकेंड नंबर का ऑप्शन जो नज़र आएगा ना, सब्सक्रिप्शन एंड क्रेडिट्स का, इसके ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। जब इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर डिटेल्स वगैरह नज़र आएंगी कि आपने मंथली ट्रायल कब दिया था, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मंथली ट्रायल June 1 को स्टार्ट हुआ है, ठीक। और इस मंथली ट्रायल ने ख़त्म कब, इसकी एक्सपायरी क्या है वो भी यहाँ पे लिखी हुई आ जाएगी, ठीक है। फिलहाल ये इसकी जो एक्सपायरी है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं July 2 को है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपने इस मैनेज सब्सक्रिप्शन के ऊपर क्लिक कर लेना है और उसके बाद जो नेक्स्ट पेज आएगा उसके बारे में बताता हूँ, उस पर आपने क्या करना है। यहाँ पर जब आप ये वाली विंडो आपके सामने आ जाएगी, यहाँ पे अपडेट प्लान का ऑप्शन भी है और कैंसिल प्लान का ऑप्शन भी है आपके पास। यहाँ पे क्रेडिट हिस्ट्री आपकी जो शो हो रही है, क्रेडिट नंबर वगैरह सब कुछ। अब आपने यहाँ पे करना क्या, कैंसिल प्लान के ऊपर क्लिक कर लेना है। कैंसिल प्लान क्लिक करने के बाद ये वाला पेज सामने आ जाएगा और यहाँ पे दोबारा कैंसिल प्लान के ऊपर क्लिक करना है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ आपको ये बताया गया कि आपका जो कैंसिल होने के बावजूद भी जो एक्सपायरी डेट की जो लास्ट डेट है, यानी जब ये एक्सपायर होना है उस वक्त तक आप अपनी लैब वगैरह इसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये क्लिक करने के बाद आपकी जो हिस्ट्री है क्रेडिट कार्ड की, वो ऑटोमेटिकली लास्ट डेट ऑफ ट्रायल जो है वो ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। अब ये वीडियो का ये वाला पार्ट जो है मैं 2 दिन बाद बना रहा हूँ ताकि मैं आपको दिखा सकूँ कि वो क्रेडिट कार्ड की हिस्ट्री यहाँ से ख़त्म हुई है या नहीं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले तो हम यहाँ देखें 0 क्रेडिट आ गया कि मंथली ट्रायल तो ख़त्म हो चुका है, मेरी क्रेडिट कार्ड की हिस्ट्री भी ख़त्म हुई है कि नहीं। वही सारे स्टेप्स आपने दोबारा करने हैं। यहाँ पे सब्सक्रिप्शन और क्रेडिट्स में चले जाना है, ठीक है। यहाँ पे आपको ये नज़र आ रहा होगा, देखें ये यहाँ पे एंड पे तो आपको डिटेल्स नज़र आ रही है हिस्ट्री की, पेमेंट हिस्ट्री की, कि June 1 को जो है ना वो यहाँ पे स्टार्ट किया था ट्रायल और ये कैंसिल कर दिया था मैंने 2 दिन पहले, ठीक है। और इसकी जो इसमें जो एक्सपायरी थी वो July 1 को थी, तो मैं अब इसको July 1 के बाद देख रहा हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखें, मैं दोबारा देखता हूँ कि मेरी जो क्रेडिट कार्ड की हिस्ट्री वगैरह वो यहाँ से ख़त्म हुई है कि नहीं। यहाँ पे बाय क्रेडिट सब्सक्रिप्शन के ऊपर देख लेते हैं। यहाँ पे आप देखें मेरा क्रेडिट कार्ड नहीं आया, बल्कि यहाँ पे $29, यानी पैकेज को अगर अपडेट करना है तो यहाँ पर मैनुअली कर सकते हैं, ऑटोमेटिकली ये जो है ना वो अपडेट नहीं हुआ, ठीक है। तो क्रेडिट कार्ड की हिस्ट्री वाला उसमें रिमूव कर देनी चाहिए ट्रायल को एक्सपायर होने से पहले, अगर आप चाहते हैं कि आप मज़ीद इसमें पैकेज को अपडेट ना करें। तो मंथली सब्सक्रिप्शन लिया कैसे जाता है ये भी आपको मेरे चैनल के ऊपर मिल जाएगा, और इसके बाद मैं एक वीडियो आपके साथ शेयर करूँगा। सो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।